हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी किचन। जैसा कि आपको पता है, होली फेस्टिवल है तो मैं एक यूनिक सी रेसिपी लाई हूँ जो कि चार टाइप के नमकीन हैं। एक ही डो से हम बनाएंगे काफ़ी इजी तरीके से। तो उसके लिए मैंने 2.5 से 3 कप मैदा लिया है। मैदा हमारा एकदम फाइन होना चाहिए और छान कर लेना है। और इसमें 2 चम्मच सॉल्ट मिलाया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला लीजिए। और मैंने 2 से 2.5 स्पून इसमें अजवाइन मिलाया है। अजवाइन को क्रश करके मिलाइए। अब इसके बाद हम अच्छे से इसको सॉल्ट और अजवाइन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पैचुला से। अब देखिए, इसके बाद मैंने ये मोइन के लिए ऑयल और घी मिक्स करके मिलाया है 1/2 कटोरी। और ये 4 से 5 चम्मच सूजी ली है मैंने। सूजी डालने से एक अच्छा क्रंच आता है और जो हमारे निमकी बनेंगे वो अलग ही टाइप से, जैसे बाजार की मठरी रहती है ना, उस टाइप से काफ़ी खस्ता और काफ़ी टेस्टी बनेंगी। लेकिन इसे पहले हम हाथों से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे क्योंकि मोइन को पूरा मिलना ज़रूरी होता है। अच्छे से मिलाने के बाद अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो लगाऊंगी। फ्रेंड्स, इसका डो है ना एकदम सॉफ्ट भी नहीं और एकदम टाइट भी नहीं, बीच का डो लगाना है जिससे कि हमारी मटरी थोड़ी सी खस्ता अच्छी बनेंगी। अगर लूज़ कर देंगे तो मटरी ज़्यादा खस्ता नहीं हो पाएंगी और ज़्यादा दिन तक टाइट नहीं रहती हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमने डो को अच्छे से करके रख दिया है। अब मैं एक गीले कपड़े ढक के रख देती हूँ। इससे क्या है, जो हमने सूजी डाली है वो इसमें काफ़ी अच्छे से फूल जाएगी और मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेगी। अभी देखिए, मैं इसका जो डो है 15 मिनट बाद मिलती हूँ। तो 15 मिनट हो चुके हैं, तो अभी डो के मैं 4 पार्ट कर लूँगी क्योंकि हम 4 टाइप का नमकीन मठरी वगैरह बना रहे हैं। आप जो भी बोलते हैं, नमक पारे, मठरी या निमकी, तो हम उस टाइप से बनाएंगे। आप देखिए, मैंने फर्स्ट वाला लिया तो इसके हम इस टाइप से बेलेंगे। इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थिक बेलना है क्योंकि फर्स्ट टाइप का जो मठरी बना रही हूँ वो हमारा काजू सेब का है। तो काजू सेब का जो मठरी रहता है हमारा, तो उसका क्या है, थोड़ा सा थिक टाइप से रहता है, ज़्यादा पतला नहीं रहेगा क्योंकि काजू जैसे थोड़ा सा मोटा मोटा सा दिखता है उसी टाइप का हमको बनाना है। तो इसको थोड़ा हम थिक रखेंगे, ज़्यादा पतला नहीं। अब ये कोई भी कटर ले लीजिए। अब मैंने छोटा सा नोज़ल रहता है जो केक वाला, वो नोज़ल दिया है। आप चाहे तो इससे किसी गिलास से या कटोरी से या कोई ढक्कन रहता है ना हमारी बॉटल का, उससे आप काट सकते। इस टाइप से हम शेप काट लेंगे। हमारा काजू सेब कटने के बाद आप देखिए, जब ये हम इसको फ्राई करेंगे तो यकीन नहीं होगा कि हमने मठरी बनाई है। आपको लगेगा जैसे हम बाजार से रेडीमेड काजू लेकर आए हैं। बहुत टेस्टी और बहुत देखने में सुंदर लगते हैं। फ्रेंड्स, आप ज़रूर बनाइए। इस टाइप से हम पूरा काट लेंगे। तो जो हमने एक पार्ट लिया था उससे हम काजू वाला बनाएंगे, तो हम इसी टाइप का 4 टाइप से बनाएंगे। तो ये आप इस फेस्टिवल पे ज़रूर बनाइए, काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए, इस टाइप से सुंदर लगता है और टेस्टी भी लगता है। ये फ्रेंड्स हमारा, देखिए, अब मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ आपको। इसी टाइप से मैं पूरा सेब काट के और एक जो डो है उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। अब मैंने सेकेंड वाला लोई लिया है, तो सेकेंड वाला जो है वो हम थोड़ा सा थिक नहीं करेंगे, उसको पतला करेंगे क्योंकि हम कुछ अलग टाइप से बना रहा है जिसके लिए पतला काफ़ी ज़रूरी है। तो इसको जो हम निमकी बोलते हैं ना, नमक पारे बोलते हैं, मैं उस टाइप का बनाऊंगी। तो उसके लिए आप जितना ज़्यादा पतला हो सकता है उतना ही पतला इसको बेलेंगे, बिल्कुल भी थिक नहीं होना चाहिए क्योंकि निमकी बनाने के लिए एकदम पतला होगा तभी काफ़ी अच्छी बनेंगी। जितना पतला होगा उतना टेस्टी और उतना क्रंची बनती है। तो इस टाइप से हम इसमें स्क्वायर जैसा शेप काट के और निमकी का ऐसे नाइफ से लगा के, देखिए हमारा निमकी कट गया है। इस टाइप से हम इसको शेप दे देंगे और शेप देने के बाद एक एक इसको उठा के रख लेंगे और फिर हमारा ये सेकंड टाइप का भी बन गया है। तो ये मेथड काफ़ी इजी है, आप चाहें इससे बहुत ज़्यादा भी बना सकते हैं। मैंने तो आपको दिखाने के लिए 4 टाइप का बनाया था, तो उसी टाइप से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने 500 ग्राम मैदे का मेज़रमेंट लिया है। आपको अगर ये ज़्यादा बनाना है तो आप इसको डबल क्वांटिटी में कर दें। 500 ग्राम मैदे में मैंने लगभग 100 ग्राम का घी का मोइन ऑयल का मोइन डाला है। देखिए, इस टाइप से हमारे ये बन गए हैं। अब मैं थर्ड वाला बनाती हूँ। थर्ड वाले बनाने के लिए बिल्कुल छोटा छोटा सा हम लोई लेंगे, ये छोटा वाला, इस टाइप से। और ये जो है ना सबसे ईजी है, इसमें ना तो हमें किसी चीज़ की काटने की ज़रूरत, ना इसको ज़्यादा बेलने की, कुछ भी हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप से हमने छोटे छोटे लोई को बना के और फिंगर से दबा दबा के शेप दे देंगे। ये जो रहती हैं बाजार में, आपने देखा होगा मठरी के उससे बिकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर आप एक बार खाएंगे तो खाते ही रहेंगे। इस टाइप से लगते हैं, छोटी छोटी कचौड़ी रहती हैं, उसी टाइप की दिखती हैं। इस टाइप से बनाने के बाद हम फिंगर से दबा देंगे और सभी को इक्वल कर लेंगे। और फिर हम इसके बाद एक नाइफ लेंगे या फॉग लेंगे, कुछ भी,
इसमें थोड़े थोड़े छेदे कर लेंगे जिससे कि ये फूलेंगे नहीं। इसको देखिए शेप देने की जरूरत नहीं है ना बेलने की जरूरत है। स्टेप से हमने बना लिया सारा। अब हम एक फॉग लेंगे कांटा, जिससे कांटे से थोड़ा छेदे जैसे कर लेंगे जिससे हम इसको करेंगे तो फिर फूलेगा नहीं, हम तल नहीं पाते। स्टेप से देखिए फॉग से मैंने इसे छेदे कर लेती हूँ। ये सबसे ईजी है, जब आप चाहें मन तब बना सकते हैं, ना बेलने का झंझट, ना काटने का, ना कोई भी प्रॉब्लम। जैसे चाहे वैसे स्टेप्स में बन गया है। अब मैं इन सबको अरेंज करके रख देती हूँ। तीन टाइप के बन गए फ्रेंड। अब मैं चौथे टाइप का आपको बताती हूँ। एक ही डो से काफ़ी इजीली हम चार टाइप के बना सकते हैं। देखिए अब इसके लिए छोटे छोटे से लोई तोड़ना है, जितनी छोटी हो सकती है उतनी छोटी लोई तोड़िए, क्योंकि इसकी जो हम पूड़ी बनाएंगे ना वो बहुत ज़्यादा पतली बनानी है हमको, एकदम पतली, क्योंकि हम फोल्ड डाल के बनाने वाले हैं। तो देखिए आप जितना पतला हो सकता है उतना पतला बेल लीजिए, क्योंकि इसको क्या हमें चार फोल्ड डालने रहेंगे तो उस टाइप से हमें पतला ही थिक नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसे जितना भी ज़्यादा पतला आप कर सकते हैं उतना पतला इसको कर लीजिए। इसलिए लोई जो रहते हैं उसको साइज भी छोटा लीजिए फ्रेंड्स। इस टाइप से हम एक फोल्ड डालेंगे और फिंगर से दबा के दूसरा फोल्ड डाल के फिंगर से इसको दबा लेंगे। इसमें बीच में हमें पानी ऑयल कुछ भी नहीं लगाना। और जो फॉक्स से हम कर रहे थे कांटे से, उसी टाइप से इसको भी थोड़ा सा छेद छेद जैसे कर देंगे जिससे कि तलने पर फूलेगी नहीं। इसी टाइप से मैं दूसरी बना लेती हूँ। मैं आपको एक दो बना के बता देती हूँ तो आप भी इजीली बना सकते हैं फ्रेंड्स। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ, इसकी लोई काफ़ी छोटी लेनी है क्योंकि इसको बहुत पतला बेलना है। मोटा बेलेगा और मोटा बनेगा तो ये अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगा, कच्चा रह जाएगा। इसलिए आपको इसको पतला बेल के और छोटा छोटा सा बनाना है आपको, ज़्यादा बड़ा साइज का नहीं बनाना है। और फॉक से दबा दीजिए जिससे अंदर तक अच्छे से ऑयल जाएगा तो सिक भी जाएगा और ये फूलेगा भी नहीं। फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए मेरे वीडियो किस टाइप से लगते हैं। फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आपको सभी टाइप के वीडियो मिलेंगे, केक के सबसे ज़्यादा वीडियो मिलेंगे, सब्जी के, स्वीट्स के और फेस्टिवल स्पेशल भी आपको सभी टाइप से। लास्ट टाइम मैंने दिवाली स्पेशल में गुलाब जामुन का, गुजिया का सभी वीडियो डाले, आप चाहे तो देख लीजिए। फ्रेंड्स ये देखिए हमने चार टाइप के बनाए हैं चार शेप में। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल लिया है। कल मैंने फ्रेंड्स बालूशाही की रेसिपी डाली थी, आप चाहें तो वो भी देखिए, बहुत अच्छी रेसिपी है और देखकर होली पर ज़रूर उसको ट्राई करिए। देखिए ऑयल गर्म हुआ तो मैंने सबसे पहले जो निमकी लंबा वाला बनाया था मैं वो डाल रही हूँ, तो उसको आप कोशिश करिए एक एक करके डालिए, नहीं तो आप अलग भी साथ भी डालेंगे तो जब ऑयल हमारा गर्म होगा तो वो अपने आप ही निकल जाएगा। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, एकदम ठंडा नहीं, मीडियम ऑयल लेना है हमको। देखिए मेरा ऑयल थोड़ा सा गर्म है इसलिए मैंने गैस को हल्का सा और ज़्यादा सिम कर दिया है। अभी देखिए मेरा ये हो गया है लगभग थोड़ा देर और, क्योंकि तेल काफ़ी गर्म हो गया था। तेल आपको ज़्यादा गर्म नहीं लेना है इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको ऑफ भी कर दिया था। अब हमारी ऑलमोस्ट हो गई है। इसका कलर थोड़ा सा आपको सुनहरा टाइप से करना, एकदम वाइटिश नहीं निकालना है, नहीं तो वो क्या है बनने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो उसमें अच्छा टेस्ट नहीं आता है। इस टाइप से देखिए ये हमारा निमकी रेडी हो गया। अब सेकंड टाइम में जो मैंने मठरी बनाई थी, जैसा कि मैं बोल रही थी बाज़ार में मिलती है, जो देखने में आपको कचौड़ी टाइप से लगती है छोटी छोटी, वो मैं निमकी बना रही हूँ और इनको भी डाल दे रही हूँ। फ्रेंड्स ये सभी चीज़ तलने में आपको जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि अगर आप पेशेंस के साथ काम करेंगे तो ये इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। और जल्दबाजी के चक्कर में क्या, जल्दी फ्राई तो हो जाएगा आपका पर वो अंदर से कच्चा जैसा और ऊपर से लगेगा आपको ज़्यादा हो गया है। तो इसमें अगर आपको क्रंच चाहिए तो क्रंच के लिए आपको इसमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। और फ्रेंड्स कई लोग बनाते हैं तो मैदे में सूजी नहीं मिलाते हैं, मेरा बोलना है कि सूजी आप ज़रूर मिलाइए। अगर बारीक वाली सूजी नहीं है आपके पास तो आप मिक्सर में ग्राइंड करके उसको बारीक कर लीजिए, पर सूजी मिलाने से एक अलग ही क्रंच आता है। देखिए हमारी बातों बातों में ये वाला भी रेडी हो गया है, सेकेंड वाला डिज़ाइन। अब मैं आपको थर्ड वाला बताऊँगी। तो ऑयल हमारा गर्म है, जब हम डालेंगे तो थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा इसलिए मुझे गैस ऑफ करने की जरूरत नहीं है अभी। अब ये जो हमारा ट्रायंगल वाला था इसको भी डाल रही हूँ निमकी, तो ये भी काफ़ी अच्छे बनेंगे। फ्रेंड्स आप इस फेस्टिवल पे ज़रूर ट्राई करिए और ट्राई करके अपना एक्सपीरियंस मुझे लिखिए कि मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी। सबसे इजी है कि हम एक ही डो से चार टाइप के डिज़ाइन बना लेते हैं, हमको अलग अलग डो लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और एक ही मेज़रमेंट रहता है इसका कि इसमें मोइन है या नमक है या कुछ भी है, तो आप एक ही उससे डो से बना सकते हैं कई टाइप की, और भी टाइप के बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं चार ही टाइप के लेके आई क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है।
इसीलिए आगे मैं आपको और भी डिज़ाइन बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो जब कभी फेस्टिवल पर लेकर आऊंगी। तो देखिए ये हमारे ये भी रेडी हो गए हैं, कलर देखिए गोल्डन हो गया इनका, तो इनको भी हम निकाल लेंगे। इसी टाइप से हम तीन डिज़ाइन बन गए हमारे। अब मैं आपको चौथी डिज़ाइन भी बताऊँगी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा आपको देखने में ब्यूटीफुल लगेगी और डिलीशियस तो है ही, तो आप मेरे कहने से जरूर ट्राई की। ये जो काजू वाला डिज़ाइन था ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये जो काजू है अभी मैं बना रही हूँ आपको नॉर्मल, अगर आप मसाला काजू बनाने चाहें फ्रेंड्स तो मसाला काजू इसी टाइप से होता है। इसको हम सेम आँच में अच्छे से फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद जब हम निकाल देंगे इसको तो इसी में हम चाट मसाला या और भी मसाला वगैरह जो रहता है डाल के हम मसाला काजू वाला अपना नमकीन बना सकते हैं। तो मैं तो आज आपको सिंपल वाला बता रही हूँ, मसाला काजू अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो मेरा काफ़ी लॉन्ग हो रहा है तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा इसमें इसी टाइप से दिखाना पड़ रहा है। और वो वीडियो अलग भी हो जाएगा मसाला काजू वाला, अगर आप लोगों का कमेंट आएगा और रिक्वेस्ट आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स ये भी हमारा कम्प्लीट हो गया। इसको एक बैच को फ्राई करने में 7 से 8 मिनट लग जाएंगे, तो हमें सेम आँच में बनाना है फ्रेंड। ये देखिए हमारे चारों टाइप का बन गया है। अभी फ्रेंड्स देखिए आप चारों डिज़ाइन मैं आपको एंड रिजल्ट में एक साथ दिखाऊंगी, तो बहुत ही सुंदर। देखिए फ्रेंड्स ये काजू वाला नमकीन, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ हमारा चारों डिज़ाइन रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मुझे लिखिए किस टाइप से है। फ्रेंड्स मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और भी टाइप के आपको वीडियो मिलेंगे। बाय फ्रेंड्स।